किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं और कुछ लोग रोज सुबह उठकर उसको पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि किसी भी लक्ष्य या सपने को पाने के लिए अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति या लगन या विश्वास है तो हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर राम घाट पर ठहर गए। तुलसीदास जी प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और नित निरंतर भगवान के नाम का जप करते। उनकी प्रबल इच्छा रहती कि कब भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मंत्र मुग्ध हो गए, परंतु वह कौन है यह नहीं पहचान सके। उसके उपरांत श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। तुलसीदास जी पश्चाताप करने लगे, उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। तब हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। बुधवार संवत 1607 मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तभी श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास जी न पहचान सके, इसलिए उन्होंने तोते का भेष धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देन रघुवीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास जी अतृप्त नेत्रों से आत्मा राम की मनमोहनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध बुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? तुलसीदास जी बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रात में आकर हनुमान जी ने उन्हें जगाया और उनकी दशा सुधारी। उनके साथ घटी इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। दोस्तों, इस प्रसंग या घटना से सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए या जो मन में इच्छा है वो पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी जैसी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले तो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसमें भगवान भी हमारी सहायता करने लगते हैं, जैसा हनुमान जी ने तुलसीदास जी का किया। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी, इस कलयुग में भी, हमारे आसपास का वातावरण भी हमारी सहायता करने लगेगा। हमारे शरीर से, मन से तरंगे निकलने लगती हैं जब हम किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, और वो तरंगे आसपास के वातावरण को हमारे साथ आने के लिए मजबूर कर देती हैं और भगवान भी हमारा साथ देने लगते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो दोस्तों, तरंगे निकालिए मन से, परिश्रम करिए, इतना जबरदस्त करिए कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपसे पूछने के लिए
बेटा बोलो क्या चाहिए, पुत्र बोलो क्या चाहिए। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति मन में लेकर के किसी भी संकल्प को पूरा कीजिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहे, सबसे पहले इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, क्रोध उत्तेजना दूसरों की बातों में आकर लिए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी भी कोई निर्णय ना ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों आज की कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हानि पहुंचा सकता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है निर्णय। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसके घर में रहने वाली नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाल पोस कर बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था, दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी वह नेवला उसके पुत्र को न काट खाए। पशु की बुद्धि नहीं होती, मूर्खता बस वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहरकर वह पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा, नेवले और बच्चे में गहरी मैत्री है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ से कहीं चल पड़ा। देवबस उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया, उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसीलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत छत बिछत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ ही दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ, पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गए। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी, तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ। दोस्तों जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच समझकर
लिया गया निर्णय हमें होने वाली हानि से बचा सकता है। इसीलिए जब भी निर्णय लेने का समय आए तो सोच समझ कर ले, और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, याद रखना हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता और तुम हर किसी को समझा भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन जो परेशानियाँ आती हैं उनको हमें कैसे सुलझाना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है नेवला या मेढक। तो आज की कहानी नेवला और मेढक के जीवन पर आधारित कहानी है, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि समस्या को कैसे हम हल करें। समीर बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कभी ऑफिस में बॉस के साथ बहस हो जाती, तो कभी घर पर पति से, तो कभी उसे किसी सहकर्मी की बात ठेस पहुंचा दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए वो एक आश्रम में अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे, क्या तुम जानते हो नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं? क्या? कितना अद्भुत है, ये छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मारकर खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है कि उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उनके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होता। क्या? समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। और क्या तुम जानते हो जंगली इलाकों में एक प्रजाति के छोटे छोटे मेढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ऐसे नहीं होते, वे रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसा खाना खाते हैं कि उनके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उनसे दूर ही रहते हैं। यह सुनकर समीर से रहा नहीं गया और वह झल्लाहट में बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में प्रयोग कर सकते हो, यानी कि तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम उन मेढकों की तरह बन सकते हो जो जहर को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है ये उसके ऊपर है। बताओ तुम कैसे बनना चाहोगे, नेवले की तरह या मेढक के जैसे? दोस्तों, लाइफ में बैड एक्सपीरियंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो किया जा सकता है वो ये है कि हम इन अनुभवों को कैसे लेते हैं, हम खुद पे इनका क्या असर होने देते हैं। किसी खट्टे अनुभव की वजह से खुद में खटास ला देना आसान जरूर है, पर ऐसा करना हमें उन मेढकों की तरह जहरीला बना देता है
और धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग हमसे कटने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस बैड एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लेते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं, तो हम उन नेवलों की तरह सशक्त हो जाते हैं और फिर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। इसीलिए चलिए प्रयास करें कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से हम उनसे पार पाना सीखें, न कि खुद ही समस्या बन जाए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें समस्या को सुलझाना है, उसमें उलझ नहीं जाना है। दोस्तों, इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ वही जानते हैं जो इन्हें बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि परिवार के झगड़े या मनमुटाव को क्या करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। महाभारत काल में जब पांडव वनवास काल में थे, तो अपना जीवन एक कुटिया में रहकर बिता रहे थे, जिसके बारे में जब दुर्योधन को पता चला, तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची, ताकि वो पांडवों को ईर्ष्या से जलता देख सके। जब दुर्योधन वन के लिए निकला, तब उसकी रास्ते में गंधर्व राज से मुलाकात हुई। उसी वक्त दुर्योधन ने सोचा कि गंधर्व राज को हरा कर पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण देना का अच्छा मौका है। ऐसा सोच उन्होंने गंधर्व राज पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गंधर्व राज अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा दिया और उसे बंदी बना दिया। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली, तब युधिष्ठिर ने भाइयों को आदेश दिया कि जाकर दुर्योधन को वापस लाए। यह सुनकर भीम ने कहा, भ्राता, यूं तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो सदैव हमारा अहित सोचता है, तो ऐसे में उसकी मदद क्यों की जाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भले हमारा और हमारे भाइयों का बैर है, लेकिन वो एक घर की बात है जिसे जग जाहिर करना गलत है। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहें, उसी में परिवार की इज्जत है। इसे यूं प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान है। बड़े भाई की आज्ञा मान पांडव गंधर्व राज से युद्ध करते और दुर्योधन को छुड़ा लाते हैं। दोस्तों, आजकल परिवार में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, ये आम बात है, परंतु इनका बखान अन्य के सामने करना गलत है। इससे जग हसाई होती है और आपके परिवार की कमजोरी सभी के सामने उजागर होती है। परिवार में कितना ही बैर क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति में हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम परिवार के झगड़ों की बातें अन्य के सामने करते हैं, तो आपके बुजुर्गों एवं उनके संस्कारों पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिससे परिवार की साख मिट्टी में मिल जाती है। अतः जहां तक कोशिश करें पारिवारिक मनमुटाव को परिवार में ही रहने दें, उसका बखान कर परिवार की नींव कमजोर न करें। दोस्तों, इस चीज तरह आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ मिलती रहेगी। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद,
और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी या कहानी से जो सीखेंगे जीवन में जो भी अच्छे काम करते हैं उसका फल कब मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी जिसका शीर्षक है पुण्य के फल का रहस्य। एक दिन राजा भोज गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन मैं सत्य हूं और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख लो। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान पुण्य यज्ञ व्रत तीर्थ कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब मंदिर कुएं बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ सब एक एक करके सूख गए, बागीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ तीर्थ कथा पूजन दान आदि के लिए बने स्थानों पर व्यक्तियों चीजों को ज्यों ही छुआ वे सब राख हो गए। राजा यह देखकर विक्षिप्त हो सा हो गया। सत्य ने कहा, राजन यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं का फल पूर्ण रूप से मिलता है और यही पूर्ण फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्धान हो गए। राजा ने निंद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार के लिए अपने आप को प्रसिद्धि के लिए काम नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करना चाहिए जो कि समाज सेवा से प्रेरित हो और जो दूसरों से लाभकारी हो। दोस्तों, सच्ची है तो है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के जरिए से किया गया काम पूर्ण नहीं होता। हमने देखा है कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनल्स पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता है। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। तो इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे
इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों के दिल जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि प्रसन्नता किस बात पर निर्भर करती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी के जरिए हम यह देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए यह मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, मुझे आप ही रख लो, यह किसी और को दान दे दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लग रही। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है, प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दे दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा, उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थपूर्ण अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कहकर सुनाई। सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगे। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला, उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रसन्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूं, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। तीसरा, मैं उधार देता हूं, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूं, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक व अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था।
वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, ऐसा देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस्ड बनाना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और इसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले ही हम लाखों रुपए कमा लें पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्रसन्न कैसे रहना है, अपने धन का उपयोग कैसे करना है। इसीलिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम जहां हो वहीं शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संपदाओं की बचत कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच वार्तालाप से। भगवान बुद्ध एक अनुयायी ने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध, बताओ क्या कहना है? अनुयायी बोला, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं है, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने पूछा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी बोला, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। फिर बुद्ध साहब ने पूछा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी बोला, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। बुद्ध जी ने फिर पूछा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर लिया रहा हूं। बुद्ध जी ने पूछा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों को क्या किया? अनुयायी बोला, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मैंने उसका एक धागा अलग करके दिए की बातियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अजीब लग रही होगी, मगर ये बहुत बड़ी सीख देती है कि आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को
सुरक्षित बनाकर रखें, क्योंकि जब प्राकृतिक चीजें सुरक्षित रहेंगी तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस प्राकृतिक में जैसे कि जल, हवा, वायु, जो भी चीजें हैं वो हमारे पास अगर रहेंगी तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातों के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, दिखावा करने से अहंकार आ जाता है और वस्तुओं का दुरुपयोग भी होता है। इसलिए अहंकार से बचें और वस्तुओं का इस्तेमाल भी सम्मान से करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज हम गांधी जी के जीवन के इस प्रेरक प्रसंग से सीखेंगे कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अधिक मात्रा में हो। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। बात इलाहाबाद की है। उन दिनों वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़ा खिन्न हो गए। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? बाकी स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। ये पानी की बर्बादी ही तो है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़ी है कि पानी की कमी हो। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी ने तब कहा, किसकी है गंगा यमुना, ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कोई चीज कितनी ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हो पर हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। और दूसरा, यदि हम किसी चीज की अधिक उपलब्धता के नाते उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी गांधी जी की बात समझ चुके थे। तो दोस्तों, गांधी जी की सोच इतनी प्रबल थी, इसे आज और भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आज मनुष्य प्रकृति से हुए खिलवाड़ का खामियाजा भुगत रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें और एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में गांधी जी ने हमें सिखाया है कि किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो चाहे कितनी भी अधिकता में या प्रचुर मात्रा में हमारे पास हो। और प्रत्येक दिन मोटिवेशन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रतिदिन सुबह
पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है, प्रेम का बीज आपके अंदर है कि नहीं, चलिए इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। संत की उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैरों में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मैं शिष्य होकर मुझे परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन से स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे मेरे परिवार से, तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तुझे तेरे निकट के लोगों से किसी से भी तूने स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल रूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वटवृक्ष बनता है, इसलिए बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूं? यदि बीज ही नहीं है तो वटवृक्ष कहां से बना सकता हूं? तुझे किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूं? कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। दोस्तों, कहानी से जो सीख मिलती है कि पहले अपने आप से प्रेम करिए, अपने संबंधियों से प्रेम करिए, अपने समाज से प्रेम करिए। अगर उससे प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम का बीज उत्पन्न हो जाएगा, तभी उस बीज को आप परमात्मा के चरणों में लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार
और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, बात क्या है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? किसी का राज पता चल गया या खुद के राज छुपाने में कामयाब हो गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, सीखेंगे। और आज का शीर्षक है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक राज्य के राजा ने घोषणा की कि आने वाले पूर्णिमा पर नगर के सत्यनारायण मंदिर में पूजा करने जाऊंगा। जब मंदिर के पुजारी को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। आखिर राज्य का राजा आने वाला था, तो उसने सोचा कि मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन, सजावट आदि करवा देनी चाहिए। इन सब में 10,000 का खर्चा आने वाला था। इतने पैसे उसके पास नहीं थे, पर उसने सोचा एक काम करता हूँ कि साहूकार से उधार ले लेता हूँ, आखिर राजा दक्षिणा भी बहुत अच्छी देगा, राजा के जाने के बाद उधार चुका दूंगा। पुजारी ने साहूकार से 10,000 रुपये उधार लिए और मंदिर की साज सजावट, रंग रोगन इत्यादि काम चालू कर दिया। मंदिर चमक गया। पूर्णिमा के दिन राजा पूजा करने आया। पूजा बहुत ही अच्छी तरह से संपूर्ण हुई। राजा ने पूजा की थाली में एक बंद लिफाफे में दक्षिणा चढ़ा दी। राजा के जाने के बाद पुजारी ने जब वह लिफाफा खोला तो पुजारी ने देखा कि राजा ने दक्षिणा में सिर्फ 100 रुपये चढ़ाए। 100 रुपये देखकर पुजारी नाराज भी हुआ। उसे लगा था कि जब राजा मंदिर में आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर 100 रुपये देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बाकी सब तो ठीक है, पर जो साहूकार से उसने कर्ज लिया है वह कैसे चुका पाएगा? सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। दूसरे दिन उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने जो कुछ भी पूजा के बाद दक्षिणा में चढ़ाया है वह सब वह नीलामी करेगा। नीलामी का समय उसने सुबह 9 से 10 बजे तक का रखा और नीलामी 1 हफ्ते तक चलने वाली थी। राजा का दिया हुआ लिफाफा उसने एक सुंदर से थाली में सजा कर मंदिर में रख दिया। जब भी दर्शन करने आता वह बड़ी ही उत्सुकता से लिफाफे को देखता, लेकिन पुजारी उसे हाथ नहीं लगाने देता। लोगों ने सोचा कि राजा ने चढ़ाया है तो जरूर कुछ अमूल्य वस्तु होगी। लोग उसके लिए नीलामी की बोली लगाने लगे। 5,000, 10,000, 20,000 करते करते 50,000 रुपये तक की बोली पहुंच गई। नीलामी की यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने सोचा, यह क्या, पुजारी मेरे दिए गए दक्षिणा को नीलाम कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसे लगा कि अगर कोई नीलामी में वह लिफाफा खरीद लेता है, उसे खोल कर देखता है, तो राजा का क्या सम्मान रह जाएगा कि राजा ने 100 रुपये दक्षिणा में चढ़ाए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर पुजारी को बुलवा भेजा। पुजारी आया, तब राजा ने पूछा, पुजारी जी, क्या आप जानते हो उस लिफाफे में मैंने क्या दक्षिणा चढ़ाई थी? पुजारी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने उसे खोलकर नहीं देखा। आपने अवश्य ही कोई कीमती वस्तु चढ़ाई होगी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे खोलूंगा तो मेरे मन में लालच आ जाएगा, और मैं तो ठहरा पुजारी, कोई भी कीमती वस्तु मेरे किस काम की? कीमती वस्तु मेरे किसी उपयोग की भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे नीलाम कर देता हूँ और नीलामी के जो भी पैसे आएंगे वह मंदिर में और सत्कार में लगा दूंगा। राजा ने पुजारी से कहा, ठीक है पुजारी जी, आपको नीलामी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस लिफाफे के नीलामी के 50,000 रुपये दूंगा। आप वह लिफाफा मुझे दे दे। पुजारी ने कहा, जैसे ही महाराज की आज्ञा, महाराज की जय हो। तो देखा दोस्तों, पुजारी ने कितनी चतुराई से राजा से अपनी पूरी दक्षिणा भी ले ली और साथ ही साथ उसने बड़ी ही जिम्मेदारी से राजा को यह कहकर कि उसने लिफाफा नहीं खोला, राजा को शर्मिंदा होने से भी बचा लिया।
साथ ही उसने जब लिफाफा बंद रखा तो लोगों ने भी सोचा कि राजा ने कोई कीमती चीज चढ़ाई होगी, इसीलिए वह बढ़ चढ़कर नीलामी में हिस्सा ले रहे थे। और इसीलिए कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। दोस्तों, अपने जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप बंद मुट्ठी में रखिए, अगर खुल गई तो वो खाक की हो जाती है। इसीलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।